है मिस्टेल का नया 4G कैमरा, डोम कैमरा है, 3 मेगापिक्सल का है ये, लॉग एंड प्ले प्ले वाला है ये। मोबाइल ऐप से ये कंट्रोल होता है, क्लाउड स्टोरेज का भी ऑप्शन है इसमें। माइक्रो SD डाल के आप इसको स्टोर कर सकते हो डाटा। 128 GB तक का माइक्रो SD सपोर्ट करता है। ऑल टाइम कलर ऑप्शन है, 3 मेगापिक्सल का है। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है और H.265+ कंप्रेशन रेशियो होने के वजह से ज़्यादा इसका स्टोरेज कैपेसिटी ये ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा का रिकॉर्डिंग स्टोर होता है इसमें। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। अब हम इसको कैसे यूज करते हैं उसका पूरा ट्यूटोरियल हम आपको दिखाएंगे। इस पे MRP है, 9000 MRP है। हम आपको इसका ट्यूटोरियल पूरा दिखाएंगे कैसे होता है क्या होता है। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, क्या क्या निकलता है अंदर। पहले तो आपको ये एक मिलेगा जिस कैमरा को दीवार में लगाने के लिए, उसका मेजरमेंट लेने के लिए होल का ये मिलेगा स्टिकर आपको, जिससे आपको इजी होगा लगाने के लिए। फिर अंदर आपको एक कैमरा मिलेगा, एक कैमरा है, इसको साइड कर देते हैं अभी। और एक बॉक्स है, इसके अंदर आपको एक एडेप्टर मिलता है जो कि 12 वोल्ट 1 एम्पियर का एडेप्टर है। ये ग्रिप और स्क्रू मिलता है कैमरा को लगाने के लिए। और ये कुछ आपका प्रोटेक्टर है जो कि आपको लैन पोर्ट को कवर करने के लिए दिया गया है, ताकि पानी वगैरह जो भी हो ना जा सके अंदर। ये हो गया कैमरा, इसका ये कलर विजन है। इसमें माइक है, इनबिल्ट माइक है और स्पीकर भी है। इसके अंदर आपको मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड लगाने का ऑप्शन है इसके अंदर। हम आपको पूरा प्रोसीजर अभी दिखाएंगे कैसे होता है क्या होता है। ये इसका पावर एडाप्टर का कनेक्शन देने के लिए स्लॉट है। ये आपका लैन कनेक्शन के लिए है। यहाँ पे LED इंडिकेटर है जिससे आपको पता चलेगा कि लाइव करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये इसका रीसेट स्विच है, आपको कैमरे को रीसेट करने के लिए ये बटन दिया गया है। अभी हम आपको इसका प्रोसीजर दिखाएंगे कैसे कनेक्ट करना है, इसको कॉन्फ़िगर करना है, कनेक्ट करना है। इसमें 2-way इंटरकम का भी ऑप्शन है जिससे आप दोनों तरफ से बातचीत कर सकते हो। कोई अगर यहाँ से कुछ बोल रहा है तो आपको ऐप के थ्रू सुनाई देगा। अगर आप ऐप में कुछ बोल रहे हो तो इसके जो इनबिल्ट स्पीकर हैं उसके थ्रू आप यहाँ पे जो होगा उसको सुनाई देगा। तो दोनों तरफ से बातचीत कर सकते हैं आप इसमें भी मोबाइल ऐप से। पहले तो आपको ओपन कर लेना है इसको। ये आपका माइक्रो SD का स्लॉट यहाँ पे दिया गया है और ये आपका मेमोरी कार्ड का, सॉरी सिम कार्ड का स्लॉट दिया गया है। इस छोटा सा सिम लगेगा यहाँ पे। कुछ इस तरह लगता है अंदर, ठीक है। अभी ये रेडी हो गया है, अब से मैं इसको पावर देना है। इसको पावर कनेक्शन देंगे अभी। ये हो गया कैमरा, अभी एक्टिव हो रहा है। यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आता है, साउंड भी आता है कि 4G मोड एनेबल या कुछ बोल के आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, मोबाइल में हमको अब हम प्ले स्टोर से मिस्टेल का ऐप डाउनलोड कर लेंगे जिसके थ्रू हम कैमरा को कनेक्ट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। पहले प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे सर्च करेंगे मिस्टेल बोल के और इसको ऐसा आ जाएगा मिस्टेल 4G। इसको अभी हम इंस्टॉल, पहले इंस्टॉल कर लेना है हमको ऐप को। इंस्टॉल होने के बाद उसको ओपन करना है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, कुछ क्रिटिकल नहीं है। जितना भी एग्रीमेंट आएगा एक्सेप्ट कर लेना है। पहले हमको अभी पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, तो हम रजिस्टर में जाएंगे। यहाँ पे ईमेल और फ़ोन नंबर मांगना है। ईमेल में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, इसलिए आप कोशिश करें कि मोबाइल नंबर से ही
रजिस्टर करने के लिए। जैसे हम अभी अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देंगे, रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर कंफर्म करेंगे, ये दोबारा कंफर्म करने के लिए बोलेगा। तो होने के बाद अभी एक ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड देके हमको पासवर्ड देना है यहाँ पे। आप जो भी पासवर्ड दे सकते हैं, कोशिश कीजिएगा थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देने के लिए, क्योंकि आप कोई भी फ़ोन में ये मोबाइल नंबर पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। सेम सिम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप थोड़ा उसको ध्यान रखिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दीजिए ताकि कोई इजी से उसको रिमाइंड ना कर सके। अभी उसके बाद हमको कैमरा ऐड करना है यहाँ पे। हम ऐड डिवाइस में जाएंगे, अभी ऐड पे क्लिक करेंगे। ये जितना ही सब एसएस मांगेगा आपको सबको अलाउ करना पड़ेगा। डिवाइस पावर्ड ऑन, स्कैन द क्यूआर कोड ऑन द डिवाइस और क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा। कैमरे में जो क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोड स्कैन होते हैं ऐसे दिखा देगा कैमरा को, उसको ऐड करना पड़ेगा हमको। अभी ऐड कर लेंगे हम। जैसे ही कैमरा ऐड हो जाता है ऐसा कुछ दिखाएगा आपको, जो भी नाम देना है एक्स वाई जेड, आप जो भी नाम देना है दे दीजिए नाम उसको। ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी आपको यहाँ पे कैमरा दिखाएगा, ये देखिए ऑनलाइन दिखा रहा है क्योंकि कैमरा अभी रेडी हो गया है। अब आप सिर्फ उसको प्ले में डायरेक्ट क्लिक करके ये देख सकते हैं। देखिए अभी ये कैमरा रेडी हो गया है। अभी हम इसको अपने हिसाब से जो भी हो जैसा भी हो हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एचडी मोड है आप उसको अगर चेंज करके एचडी कर देंगे तो ये हाई डेफिनेशन में दिखाएगा। प्लेबैक में जाएंगे तो प्लेबैक दिखाता है, लेकिन मैंने कोई भी स्टोरेज नहीं डाला है, मेमोरी कार्ड नहीं डाला है तो ये नहीं दिखा रहा है। आप प्लेबैक देख सकते हैं यहाँ पे जाके। आपको फिर उसको टाइम सेट करना पड़ेगा, किसी के कैमरे में अगर टाइम गलत दिखा रहा है तो आपको टाइम सेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सेटिंग में जाके, बहुत सारा सेटिंग है, आप कुछ भी यहाँ पे खुद अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। टाइम सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे टाइमिंग सेटिंग में जाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे दिखा रहा है GMT प्लस 530, ये इंडियन टाइम जोन है। अगर कुछ अलग दिखाता हुआ तो आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद आप इसको सिंक कर देंगे तो ये सिंक हो जाएगा और एग्जैक्ट इंडियन टाइम इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सेव कर लेना है, फिर ये हो गया रेडी। बस कैमरे का इतना ही है, लेकिन ये याद रखिएगा आप जब भी लॉगिन करोगे तो पहले आपको, आप जब भी लॉगिन करोगे तो आपको पहले नंबर से पहले +91 लगाना पड़ेगा। अगर आप +91 नहीं लगाएंगे तो लॉगिन ही नहीं होगा, ठीक है। +91 लगाना ज़रूरी है। थैंक यू, बस इतना ही था।